सब्सक्राइब बटन फ्री है, सब्सक्राइब करने के दो फायदे होंगे, एक तो अच्छी वीडियोस मिलेंगी और दूसरा माता रानी की कृपा होगी, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज आरजे एंड अगेन आई एम बैक विद माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए थ्री कूल एंड्रॉयड ऐप्स जो कि डेफिनेटली आपको 2018 में अपने एंड्रॉयड फोन में ट्राई करना चाहिए एक बार। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में एक चीज़ स्पेशल है, एंड फ्रेंड्स वो स्पेशल चीज़ ये है कि आज मैं वीडियो के एंड में आपको एक बोनस एप्लीकेशन दिखाने वाला हूँ जो कि फ्रेंड्स रियली में काफ़ी ज़्यादा कूल होने वाली है। तो फ्रेंड्स, उस एप्लीकेशन को देखने के लिए आपको मेरी वीडियो का एंड तक जरूर देखना पड़ेगा। सो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स डू फॉर इट। तो फ्रेंड्स, हमारी लिस्ट के थर्ड नंबर एप्लीकेशन का नाम है स्टाइल इट। तो बेसिकली फ्रेंड्स, इस एप्लीकेशन के हेल्प से आप अपनी फ्रेंड्स के साथ जो है डिफरेंट टेक्स्ट स्टाइल में जो है चैटिंग कर सकते हो। तो चलो यार, देखते हैं कैसे एप्लीकेशन वर्क करता है। तो सिंपली फ्रेंड्स, आपको इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, एंड यहाँ पर आपको सिंपली नेक्स्ट नेट कर देना है, बिकॉज मैं आपको बताऊँगा कैसे इस एप्लीकेशन को आपको यूज़ करना है। तो आपका जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुका है, देन आपको मिनिमाइज कर देना है। देन आप फ्रेंड्स कहीं भी चले जाओ, जहाँ पे भी आप मैसेज करना चाहते हो या चैटिंग करना चाहते हो अपने फ्रेंड के साथ। बेसिकली मैं यहाँ पे अपना व्हाट्सएप ओपन कर लेता हूँ एंड अपने फ्रेंड को जो है टेक्स्ट करता हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पे टेक्स्ट पे कुछ भी लिख लेता हूँ, जैसे लाइक मैंने यहाँ पे लिख लिया थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो फ्रेंड्स क्या करना है, आपने जो मैसेज लिखा है आपको टोटली उसको सेलेक्ट कर लेना सारे मैसेज को, एंड यहाँ पे फ्रेंड्स आपको मोर पे क्लिक करना है। एंड फ्रेंड्स आपको यहाँ पे स्टाइल इट का ऑप्शन दिख जाएगा, जैसे आप फ्रेंड्स उस पर क्लिक करोगे तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पे डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल दिख जाएंगे आपके मैसेज का, जो आपने मैसेज टाइप करा है। तो फ्रेंड्स अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जो भी टाइप मैसेज का स्टाइल जो अच्छा लगे आप उसको यहाँ से सेलेक्ट करके अपने फ्रेंड को जो है मैसेज कर सकते हो डिफरेंट वे में। तो ऐसे फ्रेंड्स आप अपने चैटिंग के वे को चेंज कर सकते हो एंड एक डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल में जो है चैटिंग कर सकते हो। तो फ्रेंड्स इसलिए मैंने इसको कहा कि काफ़ी ज़्यादा कूल एप्लीकेशन है ये, एंड इसलिए मैंने आज की वीडियो का जो टाइटल है वो कूल एप्लीकेशन लिखा है। तो फ्रेंड्स चलते हैं हमारे नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ, जिसका नाम है केक ब्राउज़र। तो बेसिकली फ्रेंड्स ये एक ब्राउज़र है जिसके अंदर आप सर्फिंग कर सकते हो, बट फ्रेंड्स ये और ब्राउज़र से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। तो चलो यार दिखाता हूँ कैसे ये वर्क करता है एंड कैसे ये डिफरेंट है। तो सिंपली यार इस ब्राउज़र को आपको ओपन कर लेना है, एंड यहाँ से गेट स्टार्ट पे आपको क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ से अपना सर्च हैंडल सेलेक्ट कर लेना है, एंड देन आपको नेक्स्ट नेक्स्ट कर देना है, एंड यहाँ से ट्राई नाउ पे क्लिक कर लेना है आपको। एंड ट्राई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपका जो ब्राउज़र है वो रेडी हो जाएगा सर्च करने के लिए। देन आप यहाँ पे कुछ भी सर्च कर सकते हो, फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे फ्रेंड्स फनी वीडियो सर्च कर लेता हूँ। एंड फ्रेंड्स जैसे ही मैं यहाँ पे फनी वीडियो सर्च करता हूँ, आप देख सकते हो मेरा जो डायरेक्ट पेज है वो यूट्यूब पे ओपन हो चुका है, एंड मेरी जो फनी वीडियोस है वो आ चुकी है। एंड फ्रेंड्स इसका जो मैंने आपको बताया है और ब्राउज़र से डिफरेंट है, तो फ्रेंड्स वो बात ये है कि ये एक ही टाइम पे सभी साइट पे आपका जो सर्च रिजल्ट है वो दिखा देता है। तो फ्रेंड्स जैसे आप राइट स्वाइप करते हो आपका जो रिजल्ट है, इट मीन जो आपने सर्च किया है वो डिफरेंट साइट पे शो कर देगा। इसके लिए फ्रेंड्स आपको डिफरेंट डिफरेंट लिंक पे टैप करने की जरूरत नहीं है, जो कि आपको गूगल पे करनी पड़ती है। आपको डिफरेंट लिंक ओपन करना पड़ता है डिफरेंट साइट के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आपको जैसे ही राइट स्वाइप करोगे आपका जो सर्च रिजल्ट है वो डिफरेंट साइट पर शो हो जाएगा। बट हाँ, इसमें फ्रेंड्स थोड़ा टाइम लगता है, बट फ्रेंड्स ये काफ़ी और ब्राउज़र से काफ़ी ज़्यादा कूल है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हो। एंड फ्रेंड्स इसकी एक और ख़ास बात है कि इसमें जो एड्स आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम आते हैं बाकी ऐप्स के मुकाबले। तो फ्रेंड्स इस एप्लीकेशन का आप यूज़ कर सकते हो अपने फ़ोन में, काफ़ी ज़्यादा कूल एप्लीकेशन है, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो डेफिनेटली एक बार आप इसको ट्राई जरूर करना। तो फ्रेंड्स चलते हैं अपनी लिस्ट की फर्स्ट एप्लीकेशन की तरफ, जिसका नाम है फ्रेंड्स नोटिफिकेशन एनिमेशन। तो फ्रेंड्स ये एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा कूल है, बिकॉज फ्रेंड्स ये एप्लीकेशन आपकी जो नोटिफिकेशन है उसको एक डिफरेंट वे से शो करता है। तो सिंपली फ्रेंड्स इस एप्लीकेशन को आपको ओपन कर लेना है, देन आपको नेक्स्ट नेक्स्ट कर देना है। तो सिंपली हम भी नेक्स्ट कर लेते हैं, देन यहाँ पे गोट इट करके अपने जो एप्लीकेशन है उसको स्टार्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप नोटिफिकेशन एनिमेशन को ऑन करते हो तो आपका जो पेज है ओपन हो जाएगा, एंड यहाँ पे आपको अपनी एप्लीकेशन को जो है परमिशन अलाउ कर देनी है। तो हम भी अपनी एप्लीकेशन को जो है परमिशन अलाउ कर देते हैं, एंड एप्लीकेशन अलाउ करने के बाद आपको सिंपली बैक कर देना है। एंड अगेन जैसे आप फ्रेंड्स क्लिक करोगे एनिमेशन, इट मीन नोटिफिकेशन एनिमेशन के बार को ऑन करने के लिए, तो अगेन आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन को एक्सेस कर देना है। एंड फ्रेंड्स एक्सेस करने के बाद आपको सिंपली बैक करके अपने एप्लीकेशन को ओपन कर देना अगेन। एंड फ्रेंड्स उसके बाद आप देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका लिखा रहा है फायरवर्क प्लेफुल वेव। तो फ्रेंड्स बेसिकली आपके जो नोटिफिकेशन स्टाइल्स हैं, तो फ्रेंड्स देख सकते हो आप नीचे जैसे हमारा जो आइकन आ रहा है तो आपकी नोटिफिकेशन भी फ्रेंड्स इसी टाइप से आएगी। तो बेसिकली फ्रेंड्स आपको इस एप्लीकेशन एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए अपने एंड्रॉइड फोन में, बिकॉज फ्रेंड्स आप अगर बोर हो चुके हैं अपने नोटिफिकेशन बार से तो आप इस टाइप से नोटिफिकेशन को भी अपने एक बार ट्राई कर सकते हो। एंड फ्रेंड्स इसके अंदर कुछ नोटिफिकेशन को आपको परचेज करना पड़ेगा, बट फ्रेंड्स आई थिंक कि आपको उसकी जरूरत नहीं है, बिकॉज इसमें ऑलरेडी काफ़ी अच्छे अच्छे कूल फीचर्स एंड नोटिफिकेशन स्टाइल्स हैं।
तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं हमारी वीडियो के बोनस एप्लीकेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स उस एप्लीकेशन का नाम है रोलिंग ऐप आइकन। तो फ्रेंड्स ये एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा कूल है एंड इसको डेफिनेटली आपको अपने फ़ोन में एक बार ट्राई करना चाहिए। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो आपके सामने तीन ऑप्शंस शो हो जाएंगे, स्टार्ट, सेटिंग, रेटस। आपको सिंपली स्टार्ट पे क्लिक कर देना, देन ये एप्लीकेशन आपका वर्क करने लगेगा। तो फ्रेंड्स जैसे आप स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो आपके जो आइकन है वो रोलिंग होने लगेंगे। जैसे जैसे फ्रेंड्स आप अपने फ़ोन को मूव करोगे वो उसी स्टाइल में आपके जो आइकन्स है वो मूव करने लगेंगे। एंड फ्रेंड्स जैसे ही आप किसी भी अपने एप्लीकेशन पे टैप करते हो तो आपका जो एप्लीकेशन है वो वर्क करने लगेगा। इट मीन कि काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हमारे जो आइकन है कितने कूल लग रहे हैं। तो आपको 2018 में इस एप्लीकेशन को डेफिनेटली अपने फ़ोन में एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे किसी भी एप्लीकेशन को आप टैप करके यूज़ कर सकते हो। एंड फ्रेंड्स जैसे आप मिनिमाइज़ करोगे तो आपका जो एप्लीकेशन है वो वर्क करना बंद कर देगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको और भी ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे आप सेटिंग में जाते हो इस एप्लीकेशन की, तो फ्रेंड्स यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग आइकन्स का जो नंबर्स है वो सिलेक्ट कर सकते हो। लाइक यहाँ पे आपको 16 मिल जाता है, 24, 32, 40। एंड यहाँ पे आप अपने आइकन का जो है साइज छोटा बड़ा भी कर सकते हो। तो यार एक बार ज़रूर ट्राई करना इसको अपने एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि डेफिनेटली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार लाइक बटन को हिट कर दो फटाफट से। एंड फ्रेंड्स मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको बोनस एप्लीकेशन कैसा लगा। एंड फ्रेंड्स हमारे आरजे रीना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ऐसे टाइप्स टेक्निकल से रिलेटेड वीडियोज़ मैं आपके लिए डे बेसिस पर लाता रहता हूँ। सो फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय गाइस, टेक केयर, सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो।